औलाद है कहे कि एक बाप के औलाद है। हमके समझे में भूल जन कर हम इतिहास बदल दे। अब सरकार राज ना। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं और हम एक और एक्चुअली लेके वापस आ गए। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे हमें कि भाई आपने सर वाकई में ऐसा कोई इंटेंशनली हमने ऐसा किया नहीं। एक दो गानों पे मैंने जरूर रिएक्शन दिया, बड़ा मजा आया देखते हुए। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हम कैसी कैसी परफॉर्मेंस है, तो किसी को लड़वाना या ये चीज हमारा नहीं था। और बहुत से लोगों ने हमें बोला कि आप लोगों ने लड़वाया है, तो हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए किया था। वो भी आप में से किसी के सजेशन था तो हमने उस पर किया था। खैर, काफी अर्से एक भाई मुझे कह रहे हैं उसको ट्रेलर पे रिएक्शन दें और बहुत सारी और सीन्स वगैरह पे गानों पे आ रहे हैं कि रिएक्शन दें आप। तो स्टार्ट हम लोग का, तो इसका आज हम देख रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखने से पहले तो हम कोई बात कर नहीं सकते, देखने के बाद हम आपसे शेयर करेंगे। तो तब तक हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अपना गांव जवार के भलाई खातिर। हमरा जवन सही लागेला हम उहे करीला, चाहे भगवान के खिलाफ रहे, समाज के खिलाफ रहे या फिर सरकार राज के खिलाफ रहे। जब हमार मुक्का पड़ेला तो टूट जाला छाती के बाद। हमार नाम सनी है, जेकरा पर हमार परछाई पड़ जाला ना तो हमार काया पलट जाला, किस्मत उलट जाला। मुकाबला करे के ना तोरा औकात बा ना हैसियत। इतिहास उठा के देख, एजा के भगवान, एजा के सरकार है हम। अब अही ले चिड़िया मार के औलाद पैदा नहीं किया भाई, जो हमार लू भी काट सके। तीनों हमनी के खिलाफ आवाज उठावत रहे, हमनी के खिलाफ। सनी अगर गोली चलल तो ऐसा जगह मारब की जिंदगी भापल मेहरारू के खाली देख के जियबे, कबो कुछ करना पाइबे। नो साउंड सनिया के हौसला के घोसला उजाड़े के पड़े लागे की तो हाल गरम हमार भई के सामने देख के फाट के टाट लाग गई। माई बाबूजी के चिता जला के आवतानी, अस्थि विसर्जन तबे करब जब विधायक बनब। जंगल में दो को शेर ना रह सकेला, गरीब मासूम के खून पिए वाला के लोग शेर ना खटमल कहेला। मेरे सावरे रंग मन नहीं भावे, ई हो सावरिया दिलावा में जगह दे दो, कहतारी गोद करिया। औलाद है कहे कि एक बाप के औलाद है,
हमके समझे में भूल जन कर हम इतिहास बदल दे। अब सरकार राज ना, जनता राज चली। अभी खाली चेतावनी देले बनी, सुधर जा। हमने ट्रेलर देखा है और सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा कि पर्सनैलिटी वाकई में बहुत दमदार है और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस, जिस तरह की स्टार्ट होता है कि जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया पे रूल करना चाहता हूँ और वाकई में ये बड़े आदमी बन भी जाते हैं। और फिर इनसे एक सवाल का मतलब था कि मतलब वो दुनिया में रूल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। बीच में एक एक्शन सीन आया था, बहुत जबरदस्त वो सीन था जिस तरह वो सबको मार रहे थे, बहुत कमाल का ब्रेथ टेकिंग सीन था। मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो कहते हैं एक तो आए ऊपर से लेट और ऊपर से हेल्प भी चाहिए। कुछ मजेदार कॉमिक सीन्स भी थे, फिर इमोशनल भी थे और फिर एंड पे फाइट सीन्स भी थे। तो मतलब सब चीजों का तड़का लगा हुआ है। और यार मतलब है कि मुझे स्टोरी लाइन इतनी समझ आई है कि ये इनका मतलब ऐसा एम्बिशन है कि बहुत बड़ा आदमी बनने को, और ये बन भी जाते हैं, लेकिन फिर बनने के बाद क्या आगे हो रहा है वो चीज समझ नहीं आई। आई थिंक होगा जब एम्बिशन पूरा होता है तो कोई उनके दुश्मन भी तो होंगे, ऐसा तो होता है। अब हारने की आदत डालो, तो वो कहते हैं मुझे बचपन में खौफ था कि हारने का खौफ था, आज तुमने वो खौफ मेरा फिर जो है ना उसको जिंदा कर दिया। और उसके बाद फिर जो फाइट सीन्स आते हैं ना वो बहुत लाजवाब होते हैं, और मतलब है कि मजा आया ट्रेलर देख के। और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब खाते हैं ना खड़े हैं, फिर वो जहाज से उतर रहे हैं, बहुत जबरदस्त गॉगल्स लगाई हुई, कमाल के स्टाइलिश एक्सप्रेशन इनकी। काम पे हम रिएक्शन देना शुरू करें वो हमें सजेशंस दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आर्मी है वो कितना आपको सपोर्ट करती है इस चीज में, जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम इन पे रिएक्शन लेके आएंगे। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ब्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उस पर आपको मजे मजे के ब्लॉग्स मिलेंगे और लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स। एक और रिएक्शन लेके हम लोग आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।